हेलो टू एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल दीप ज्योति। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। जैसे कि लास्ट वीडियो में आपने देखा था, मैंने एक लुक क्रिएट किया था पर्पल स्मोकी आइस का, जिसके बाद ऑन डिमांड में आज पार्टी मेकअप लुक क्रिएट करने जा रही हूँ। बट उससे पहले अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो चलो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट थिंग, सबसे पहले अपने फेस को हम लोग अच्छे से क्लीन करेंगे। मैं अपने फेस को वेट वाइप से क्लीन कर रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी मैंने फेस को वॉश किया हुआ था तो मुझे वॉश करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ मॉइस्चराइज़र। मॉइस्चराइज़र आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग कोई भी यूज़ कर सकते हैं। मैं अपनी स्किन के अकॉर्डिंग यहाँ पे डर्माडॉक का मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ। अब जैसे कि समर सीज़न है तो सनस्क्रीन तो सबसे प्रायोरिटी पे आता है, तो अब मैं इसमें सनस्क्रीन यूज़ कर रही हूँ। सनस्क्रीन मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे न्यूट्रोजेना का। सनस्क्रीन के बाद हम लोग अप्लाई करेंगे फेस पे प्राइमर। NYB का मैं प्राइमर यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे। बहुत अफोर्डेबल प्राइमर है ये, और इससे स्किन एकदम स्मूथ हो जाती है। नेक्स्ट मैं अपनी आईब्रो सेट कर रही हूँ। इसमें जो मेरा शेड है वो ब्लैक है, इनफैक्ट डार्क ब्राउन है, ब्लैक भी नहीं कह सकते। आप अपने अकॉर्डिंग, अपनी आईब्रो के अकॉर्डिंग कोई भी यूज़ कर सकते हैं। आईब्रो पेंसिल यूज़ करने के बाद स्पूली ज़रूर यूज़ करें। स्पूली यूज़ करने से क्या होता है, आपकी आईब्रो सेट हो जाती है। तो नेक्स्ट आई एम यूजिंग दिस कंसीलर, जो कि स्विस ब्यूटी का कंसीलर है, और इसकी पिगमेंटेशन बहुत ही अच्छी है, कवरेज बहुत ही अच्छी है। इसको यूज़ करने के बाद आपके जो आई शेडो का कलर है वो बहुत ज़्यादा पॉपअप होके आता है। कंसीलर यूज़ करने के बाद मैं फिटनी पाउडर से कंसीलर को सेट कर रही हूँ, जिससे कि शेडो यूज़ करने पे क्रीज लाइन ना हो और जो हमारा शेडो है वो अच्छे से ब्लेंड हो जाए। सो नेक्स्ट आई एम यूजिंग दिस स्काई ब्लू कलर ऑन माय क्रीज लाइन, जिसको हम अच्छे से ब्लेंडिंग ब्रश से ब्लेंड कर लेंगे, और सेम प्रोसेस हम दोनों आईज पे करेंगे। इसके बाद नेवी ब्लू कलर लेके क्रीज लाइन से थोड़ा सा नीचे ब्लेंड करेंगे इसको। ये प्रोसेस भी हमें दोनों साइड सेम करना है, और सेम प्रोसेस हमें ये आउटर कॉर्नर पे भी करना है। लुक को स्मोकी करने के लिए अब मैं ब्लैक कलर ले रही हूँ, और ब्लैक कलर से मैं आउटर कॉर्नर से ब्लेंड करते हुए इनर कॉर्नर की तरफ लेकर आऊँगी। तो कट क्रीज करने के लिए मैंने एक छोटा सा फ्लैट ब्रश की हेल्प से स्विस ब्यूटी कंसीलर से ही इसके मैं कट क्रीज बना रही हूँ। ब्लू पैलेट से ही अब मैं इस कट क्रीज पे अपना ये शेड उठा के ये ग्लिटर ब्लेंड कर लूँगी अच्छे से। और लाइनर ना यूज़ करके मैंने ब्लैक आई शेडो को ही एज अ लाइनर इसमें यूज़ किया हुआ है, जिससे कि एक स्मोकी लुक अच्छा क्रिएट हो जाता है। आई मेकअप कंप्लीट होने के बाद आईब्रो को प्रॉपर शेप लाने के लिए इसके ऊपर मैं कंसीलर यूज़ कर रही हूँ, जिससे आपकी जो आईब्रोज हैं वो अच्छे से हाईलाइट होती हैं। तो बेस के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का फाउंडेशन। फुल कवरेज फाउंडेशन है ये, कवरेज बहुत अच्छी देता है, और इसमें जो मेरा शेड है वो मेरी स्किन टोन से बिल्कुल मैच हो रहा है। आप अपने अकॉर्डिंग इसमें कोई भी यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट मैं जो इसमें यूज़ कर रही हूँ वो सेम स्विस ब्यूटी का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ अपने हाईलाइट एरिया पे, अंडर आई एरिया पे, नोज़ पे और अपनी चिन पे। कंसीलर को अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे हम लोग ब्लेंडर की हेल्प से। बेस को सेट करने के लिए अब मैं फिर से फिटनी का पाउडर यूज़ कर रही हूँ, जिसको अंडर आई एरिया पे, जहाँ पे भी हमने कंसीलर यूज़ किया हुआ है वहाँ पे हम लोग इसको अप्लाई करेंगे, जिससे कि आपका बेस एकदम परफेक्टली सेट हो जाए।
बेस को सेट करने के बाद अब मैं ब्रॉन्जर यूज़ कर रही हूँ फेस को कॉन्टोर करने के लिए। कॉन्टोरिंग से बेसिकली आपके जो फेस को अच्छी खासी शेप मिल जाती है। ब्रॉन्जर यूज़ करने के बाद मैंने ब्लशर यूज़ किया था, ब्लशर वाली वीडियो स्किप हो गई है। तो ब्लशर यूज़ करने के बाद हमें हाइलाइटर यूज़ करना है। हाइलाइटर मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, जो कि वो भी ऑलरेडी स्विस ब्यूटी का ही है। आई मेकअप कंप्लीट करने के लिए मैं ब्लैक आई शेडो पिक कर रही हूँ और इसको लोअर लाइन पर स्मज कर रही हूँ ब्लू कलर के साथ। अपनी वाटर लाइन पे मैं अब वाइट काजल यूज़ कर रही हूँ। वाइट काजल यूज़ करने से आंखें बड़ी लगती हैं। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे मेबलिन का मस्कारा, जो कि आई लैशेज़ को बहुत अच्छे से कर्ल करता है। और इस मस्कारा को यूज़ करने के बाद मुझे फेक लैशेज़ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बेस को अच्छे से सेट करने के लिए अब मैं यहाँ पे इनसाइड का मेकअप फिक्सर यूज़ कर रही हूँ, जो आपके पूरे फेस को अच्छे से सेट कर देगा और इसकी फ्रेग्रेंस भी काफ़ी अच्छी है। लिपस्टिक यूज़ करने से पहले मैं लिप लाइनर यूज़ करना ज़्यादा पसंद करती हूँ। लिप लाइनर यूज़ करने से बेसिकली आपके जो लिपस्टिक है वो बहुत अच्छे से उभर के आती है। और लिपस्टिक मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे पिंक में न्यूड शेड, ये शेड काफ़ी अच्छा है और ब्लू आइज के साथ बहुत अच्छे से मैच कर रहा था। और वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय।